अच्छा, एक्चुअली मेरी जो बुक्स हैं, पहले दो थी रिकॉल्स की, एक आईएमएम एमसीपीएस की कंबाइन थी और एक एफसीपीएस की थी। तो अब मैंने आईएमएम को भी सेपरेट कर दिया और एमसीपीएस को भी सेपरेट कर दिया है। जो आईएमएम का सेकंड एडिशन है वो ऑलमोस्ट अबाउट टू लॉन्च, नेक्स्ट वीक आप यू कैन परचेज इट फ्रॉम एनी बुक शॉप। और जो एमसीपीएस का जो सेकंड एडिशन है डेडिकेटेड, वो इस मंथ के एंड पे अवेलेबल होगा बुक शॉप पे, ठीक है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सीपीएसपी के, वो रिपीटेडली आएंगे। आप जब पढ़ोगे किताबें तो आप देखोगे कि कभी वो आईएमएम के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, कभी वो एमसीपीएस के पेपर में आया हुआ है, और कभी वो जो है एफसीपीएस के पेपर में आया हुआ है। द थिंग इज दैट कि पूल जो है वो सेम है, तो वी विल ट्राई टू एग्जॉस्ट मैक्सिमम सीपीएसपी पूल, ठीक है। डॉक्टर, जो आपकी बुक्स हैं उनका कोई स्पेसिफिक कोई नाम होगा या हाँ, बुक्स जो का नाम इनसाइट सीरीज है, इनसाइट इनटू एफसीपीएस, इनसाइट इनटू एमसीपीएस और इनसाइट इनटू आईएमएम, तो किसी भी बुक शॉप से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप मुझे बता दें, मैं आपको कोरियर करवा दूंगी। और आईएमएम की जो है वो निश्तर वाले उसको पब्लिश कर रहे हैं, तो दे विल मेक श्योर कि भी ऑल अराउंड पाकिस्तान अवेलेबल हो। बट उसकी जो है बाइंडिंग चल रही है, तो इट विल टेक 3 और 4 डेज कि वो बुक स्टोर में अवेलेबल हो। हाँ, एमसीपीएस की बुक जो है वो लेट आएगी, वो इस महीने के एंड पे अवेलेबल होगी। और अगर आपको नहीं मिलती तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, आई विल सेंड यू बाय कोरियर। ठीक है मैम। मैम, जो एमसीपीएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपकी सारी बुक्स पढ़ना जरूरी है? हाँ, अब ये बड़ी अच्छी बात की है। अब एक्चुअली ये है कि जितना आप गुड़ डालो ना, उतना मीठा होता है, ठीक है। जितने ज्यादा एमसीक्यू से एक्सपोयर होगा तो आपको स्टाइल पता चल जाएगा कि सीपीएसपी किसी स्पेसिफिक टॉपिक में से कैसे पूछ रही है। और ये एक बात मशहूर है कि सीपीएसपी नेवर चेंज, वो अपना स्टाइल नहीं भूलती। तो यू विल सी कि जब आप ये 5-6 हज़ार एमसीक्यू कर लोगे, तो जो एग्जाम के 200 एमसीक्यू होंगे वो आपको लगेगा कि ये आपके हाथों से निकल चुके हैं, यू कैन इजिली इंटरप्रेट दैम। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि वो 100% कॉपी होगा, 50-60% तो ठीक है रिकॉल्स में से आ जाता है, लेकिन जो 40% होता है पेपर वो ट्विस्ट होता है, मतलब उसमें कोई ना कोई एडिशन होती है, कोई चीज चेंज होती है। तो जब आपकी थीरी अच्छी होगी ना, तो तभी आप उस चीज को कर सकते हो एड्रेस। विदाउट बैकग्राउंड नॉलेज वो फिर मुश्किल हो जाता है चीजों को एक्सक्लूड भी करना, क्योंकि दो चीजें इतनी स्ट्राइक कर रही होती हैं, वो इतनी आपस में मिल रही होती हैं, तो आप उनको समझ नहीं पाते कि व्हाई इट इज आंसर, व्हाई इट इज नॉट आंसर, दोनों ही एक जैसी हैं, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह थीरी के साथ ही हम पढ़ेंगे, थीरी को भी एड्रेस करेंगे, रिकॉर्ड्स को भी एड्रेस करेंगे, और कंबाइन इन चीजों को लेके चलेंगे। तो मैम डॉक्टर, इसी आप वजह यानी से क्या कहते हैं कि हमें यानी ड्यूहर्ट भी पढ़नी चाहिए और उसके साथ जो है आप यानी कोई और भी एमसीक्यूज बुक हमें रिकमेंड करेंगे कि हम उसको फॉलो करें? अच्छा, एक्चुअली जो नया एडिशन जो अवेलेबल है ना, वो ड्यूहर्स्ट की है, ईबीएम का एडिशन अवेलेबल नहीं है। और ईबीएम में मसला है कि जो सीए ओवरी है वो भी अपडेट नहीं है, सीए सर्विक्स भी अपडेट नहीं है, और जो है डायबिटीज, हाँ वो 2015 की गाइडलाइन है, वो अपडेट है। तो जो अभी राइटो अच्छी बुक है ना, जिसमें अपडेटेड है सीए ओवरी, वो है ड्यूहर्स्ट। लेकिन ड्यूहर्स्ट मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगी, जो चीजें सिर्फ चेंज हुई है, जो गाइडलाइंस सिर्फ चेंज हुई है, वो मैं सेपरेटली आपको प्रोवाइड कर दूंगी उसके ब्लूप्रिंट्स, लेकिन आपने पढ़नी ईबीएम ही है। ड्यूहर्स्ट थोड़ी सी ईबीएम इस हाँ थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स के बाद वो जो फाइनल कंक्लूजन होता है ना, वो आपको नहीं मिलता, यू हैव टू अप्लाई योर ओन इंटरप्रिटेशन। लेकिन एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में ये है कि उन्होंने कंक्लूजन साथ ही लिखा होता है, तो इट बिकम्स इजी। अच्छा, मैं तो डॉक्टर डॉक्टर हिरा, सऊदीया अस्सलाम में हूँ लेकिन वालेकुम। ईबीएम मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ये अब मैं कुछ डाउनलोड हो सकता है या यानी जी, यू कैन डाउनलोड इट, मेरे छोटे मोटे पीडीएफ आते रहेंगे, अपना प्रिंटर अपने पास रखें, और इनफैक्ट प्रिंटर बहुत जरूरी है, उसको निकालते रहें। हाँ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हेरा, हाँ वालेकुम मुझे ये सलाम। बता दें कि हमने पहले आपकी बुक ली हुई है जी, आपकी लास्ट ईयर जो बुक आई थी इनसाइट वाली वो ली हुई है, तो उसके बाद अभी जो नया एडिशन है उसमें चेंजेस होंगी वो भी लें या उसी में आप अगर बता दें सेकेंड एमसीक्यू एडिशन वाली जो आपके बुक पास है? है ना,
टाइम आई थी जून जुलाई में, उसमें है चेंजिंग्स हैं जो नया एडिशन है ना, उसमें मैंने जो मैंने नया एडिशन है ना FCPS वाला, उसमें चेंजिंग्स हैं। अच्छा, मतलब वो ले लेते हैं। कीज की प्रॉब्लम नहीं, नहीं कोई मसला नहीं है, कीज का प्रॉब्लम है, 2-4 कीज चेंज किए मैंने। अगर आप मेरे साथ होंगी तो आई विल कीप ऑन टेलिंग यू कि ये चीज ठीक कर लें। उसका मैंने अलग से डाटा भी लिखा हुआ है, तो अगर वो साथ ही टेस्ट कर लेंगी तो वो MCQs आपके सेपरेटली हो जाएंगे। अच्छा अच्छा थैंक यू मैम। मेरे पास आपकी एक भी बुक नहीं है, तो अब मुझे गाइड करें कि मैं आपकी कौन सी बुक्स मंगवाऊं, वॉल्यूम 1 मंगवाऊं या वॉल्यूम 2 मंगवाऊं? एक्चुअली जो वॉल्यूम 1 और 2 था ना, वो फर्स्ट एडिशन में था। सेकंड एडिशन जब आया FCPS का, तो उसमें वो दोनों वॉल्यूम एक ही बुक में आ गए हैं। तो आप एक ही बुक मंगवा लें, IIM की बुक जब आएगी तब IIM की मंगवा लें, जब MCPS की आएगी वो MCPS की मंगवा लें। रिकॉल्स के लिए आपने 3 किताबें पढ़नी है, IIM भी, MCPS भी और FCPS भी। कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा कि व्हाई इट इज मैंडेटरी कि आप लोग कहें हम MCPS के स्टूडेंट्स हैं तो हम क्यों पढ़े हैं FCPS, और FCPS वाले ये कहेंगे हम FCPS के हैं तो क्यों हम पढ़े IIM? रीजन है डॉक्टर, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि इनके जो है ना वो MCQs जो होते हैं वो चेंज होते हैं, मतलब सारे MCPS वाले FCPS में आ रहे होते हैं, FCPS वाले MCPS वाले आ रहे, तो क्योंकि पूल तो सेम ही है ना, तो जब तक हम सारे नहीं करेंगे तो हाउ कैन वी इंटरप्रेटेड, कैसे नहीं कर सकेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि लेबर के सारे क्वेश्चन जो है ना वो IIM के पूल के होते हैं, क्योंकि IIM में लेबर इन्फेक्शन और कॉन्ट्रासेप्शन ज्यादा होती है ना, तो फिर आप जब ये सारे पूल्स कर लोगे तो जब आपका जो 30-40% आएगा लेबर से या इन चीजों से, तो वो सारा घूम फिर के IIM से आ रहा होगा ना। अच्छा मैम, मेरे पास आपका सेकंड एडिशन है, तो फिर मुझे फर्स्ट एडिशन तो बाय करने की जरूरत नहीं है ना? FCPS का सेकंड एडिशन जो आपका था वो मेरे पास है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं बस आपके ये जो अभी न्यू लॉन्च डाटा मिल जाएगा, ठीक है, और जो फिर आपके पास अभी जो आपकी न्यू बुक आने वाली है IIM वाली, वो और MCPS की जब लॉन्च होगी, फिर ये दो बुक्स बाकी रिमेनिंग होंगी जो हमें बाय करनी होंगी, राइट? डॉक्टर हीरा, मैं MCPS कैंडिडेट हूँ, तो मुझे जो है ना आपकी कोई भी बुक मेरे पास नहीं है, तो मैं आपके आप मुझे यानी कॉरियर कर सकते हैं? मैंने सारा यानी एग्जैक्टली ये भी जो इन्फेक्शन हम पढ़ने लगे ना, इन्फेक्शन और ऑन्कोलॉजी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको अलग से करके एक छोटी बुक और बना दी है, ठीक है? तो अगर आप विद माय लेक्चर भिजवा दें, और फिर मैं जो है ना आपके अकाउंट तो वैसे भी मेरे पास है, तो आप मुझे जो बुक्स हैं वो मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं आपको एड्रेस भी भिजवा दूंगी। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को शेयर कर लेती हूँ कि हमने इस महीने क्या करना है। इस महीने हम करेंगे इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में कौन कौन से इन्फेक्शन होंगे। ओके, एक मिनट, मेरी टीम को बता दूं, स्लाइड शेयर मुझे करने दें, अलाउ ना? जी। अच्छा, ये 3 मंथ का जो हमारा रेगुलर सेशन है MCPS और FCPS का, इसके जो मजीद फीचर्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मई में एज आई टोल्ड यू कि हमने इन्फेक्शन करने हैं, ऑनकोलॉजी करनी है, यूरोगाइनी का आपको मैंने कल एक वेबिनार शेयर किया था ग्रुप में, देखा है, चेक किया यूट्यूब पे जो था? नो डॉक्टर, मैंने तो चेक नहीं किया था। तो अच्छा, मैं टैग कर दूंगी दोबारा। यूरोगाइनी के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो छोटे छोटे करके मैंने डिवाइड करके एक सिंगल उसकी मैंने ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर बनाया है, ठीक है, वो सुन लीजिएगा। लेकिन इसके अलावा भी यूरोगाइनी हमने सेपरेटली करनी है। तो मई में हमने ऑन इन्फेक्शंस और ऑन्कोलॉजी करनी है। इन्फेक्शन में PID होगा और साथ में टॉर्च के जो इन्फेक्शन है, ये साइटोमेगालोवायरस डिसीज है सारी, ठीक है। जून में हमने मेटेरल मेडिसिन, मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, APLS, SLE, थ्रोम्बोम्बोलिज्म, एस्थमा, जितनी भी चीजें हैं ये करेंगे, और साथ में फीटल मेडिसिन भी कवर करेंगे, एनोमलीज हैं या स्क्रीनिंग्स हैं। अच्छा, ये अपना माइक तो म्यूट कर दें। तो इस तरह करने से हम जब हम थर्ड मंथ में जाएंगे, मींस
जुलाई में, ठीक है, तो जर्नल ओब्स करेंगे. जर्नल ओब्स में हम करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर, हाइपरएमेसिस ग्रेविडारम, और इसके साथ लेबर, ठीक है. और जनरल गायनी में हमारे पास इनफर्टिलिटी आ जाएगा और एब्डोमिनल पेन ब्लीडिंग जैसे फाइब्रॉइड, एडिमा, मायोसिस और छोटे मोटे टॉपिक्स आ जाएंगे. तो इन 3 मंथ्स में हम 80-90% सारा ओबीजी का सिलेबस कवर कर लेंगे. छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे जो कि सेल्फ इनके लिए होंगे, जो कि एज ए असाइनमेंट आई विल असाइन यू पीपल, और फिर आप जो है वो खुद से करोगे. इफ यू विल फाइंड डिफिकल्टी देन अगेन वी कैन कंडक्ट अ लाइव सेशन एट दोज पॉइंट्स, ठीक है. और इसके साथ आपको जो हार्ड कॉपी का कोर्स अवेलेबल होगा वो होगा 3 रिकॉल्स की बुक सीपीएसपी की, और इन्फेक्शन ऑनकोलॉजी की समरीज, मेटरनल मेडिसिन और फिटल इन्फेक्शन मेडिसिन की समरीज, और जनरल लोब्स और जनरल गायनी की समरीज. ये 3 छोटी किताबें समरीज होंगी. ये कोई चीज़ भी ऑप्शनल नहीं है हार्ड कॉपी. इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इट्स अप टू यू, जस्ट लिसन माय लेक्चर्स एंड मेक योर ओन नोट्स, ठीक. और इसके बाद जो है क्रैश कोर्स होगा जो कि पार्ट ऑफ रेगुलर सेशन नहीं है, इट्स अगेन ऑप्शनल. एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में हो जाएगा, तो फिर जो क्रैश कोर्स है वो महीने का हो जाएगा. इसमें हम सारी चीज़ों को जो है नाइसली रिवाइज कर लेंगे, और उसके साथ ऑडियो बुक अवेलेबल होगी इन सारे रिकॉल्स की. मतलब ये रीज़न होती है ना कि ये क्वेश्चन क्यों बताया मैडम ने, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि इसकी रीज़न ये है, इसका रेफरेंस ये है. तो अगर आपने थ्योरी अच्छी पढ़ी हुई है तो इट्स गुड, आपको खुद ही पता होगा रेफरेंस का, और वो सब चीज़ें सही चल रही होंगी. लेकिन अगर थ्योरी में कोई गड़बड़ हुई या इंटरप्रिटेशन में कोई गड़बड़ हुई तो क्रैश कोर्स में ये फैसिलिटी भी होगी कि आप ऑडियो बुक भी यूज़ कर सकते हैं. कंप्लीट रोड मैप टिल योर एग्जाम डेट, ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन डॉक्टर? इस पूरे कोर्स में ही हम डीक्यूज और एसपीएस करते चले जाएंगे इसके साथ ही, या फिर अलग से आप करवाएंगी जिसमें एमसीक्यूज शामिल होंगे? अच्छा, क्योंकि बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी तो यू विल रीड योरसेल्फ, क्योंकि 3 मंथ्स में सिलेबस कवर करना जो है उसके साथ रिकॉल्स भी लेंगे तो कंप्रोमाइज हो जाएंगे ना. तो आई विल कवर योर सिलेबस, जो भी ओबीडी का सिलेबस है. जब भी मैं लेक्चर लेती हूँ तो यू विल फील द डिफरेंस, कि बता रही होती हूँ कि ये रिकॉल क्वेश्चन है, ये पॉइंट एग्जाम में बार बार आया है. ये तो फिर आप काफी हद तक आपके क्वेश्चन तब भी हल हो रहे होंगे, ठीक है. और इसके अलावा आपके पास सारी रिकॉल्स बुक हैं विद कीज, ठीक है. उसके अलावा भी जब 3 मंथ्स में आप सारा ये कोर्स गो थ्रू कर लोगे तो क्रैश में आप जो है रिकॉल्स को अलग से दोगे टाइम, ठीक है. अच्छा, रिकॉल्स की जो बुक हैं ये 3, इनके अलावा जो बुक्स पढ़ने वाली हैं वो लेंज है, टेस्ट है और मास्टरिंग है. मास्टरिंग के साथ इफ एनी वन वॉन्ट टू ऐड, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो रिपीटर भी हो सकते हैं या जिन्होंने पहले से भी हुआ होगा, तो फिर वो अगर चाहें तो एंड्रयू सीजर को ऐड कर सकते हैं. एमआरसीजी की बुक्स तो कोई 12-13 हैं, प्रैक्टिकली आप वो सारी पढ़ने से, और पढ़नी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप देखोगे कि जो उनका वे ऑफ आस्किंग है एग्जाम में वो हमारा जो है डिफरेंट है. तो अगर आपने सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है तो इट्स ओके, लेकिन अभी वो टाइम भी नहीं है क्योंकि 3-4 मंथ्स में पूरा सिलेबस कवर करना, रिकॉल्स करना, यही नाइसली हो जाए, रिवाइज हो जाए तो इट्स अ बिग टास्क. एनीथिंग एल्स मैम? मैंने आपसे 3 चीजें पूछनी है, 3 क्वेश्चंस है मेरे. फर्स्ट वन तो ये कि जो डेट आ रही है वो 27 अक्टूबर आ रही है MCPS की. तो 3 मंथ्स तो हम आपके साथ चलेंगे, उसके बाद अगस्त में क्रैश कोर्स होगा, देन सितंबर और अक्टूबर का भी पूरा मंथ होगा 27 अक्टूबर. तो उसके लिए क्या प्लान है? मैं काफी दफा ये मैं इस पे क्लोज जो ओपन डिस्कशन ग्रुप है काफी दफा शेयर कर चुकी हूँ, मुझे इसका आंसर नहीं मिला. इसका आंसर ये है कि आपने रिवीजन करनी है नाइसली, कम से कम 3 से 4 रिवीजन अच्छी होती हैं, ठीक है. तो यू पीपल आर लकी इनफ कि आपका एग्जाम एफसीपीएस के बाद होगा, जो टाइम आपको मिलेगा आप अपने आप को कंपोज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है. मैम वो खुद से हम स्टडी करेंगे, इसके अलावा एमसी
उसमें आप हेल्प आउट करेंगे हमारी? नहीं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं. एग्जैक्टली, मैं हेल्प आउट करूंगी. इफ यू पीपल फील लाइक के कोई लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स होना चाहिए उसमें सारी इंपॉर्टेंट टेबल्स बिल्कुल होना चाहिए, वो भी ऑप्शनल होता है. अच्छा, वो ही मैं वरी थी आप बारे मैडम जो है ना इतने कोर्सेज कराती हैं. नहीं नहीं मैम, कोई नो इशू, इट्स अप टू यू. फाइनल जो कि पढ़ने का टाइम होगा सितंबर अक्टूबर, तो वहाँ पे तो फिर आप हमें छोड़ तो नहीं सकते ना, उसके लिए भी कोई सेशन हमारे प्लीज अरेंज करें. नहीं नहीं, उसमें आप लोगों का लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स होता है एंड पे, जो कि ऑप्शनल होता है. मैं सबको कहती हूँ कि अगर बेहतर तो मैं ये सब कहती हूँ खुद पढ़ो, अब अपने आप को ऑर्गेनाइज करो. लेकिन कुछ बच्चे जो है ना रिवीजन के वक्त बहुत डरते हैं ना, एकदम से खुद को तनहा महसूस करते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ. तो मैं भी इन लोगों में से थी, मुझे भी दिल चाहता था कि कोई कंबाइंड स्टडी के लिए कोई एक पाथ हो. ये जो दिन है इतने जिगरनाक से ये एग्जाम से पहले के ये भी अकेले ना गुजरे, तो उसके लिए मैंने सोचा है लास्ट मिनट रिवीजन. ये पहले भी हुआ था, ये उसमें काफी स्ट्रेंथ थी बच्चों की, दे वर वेरी हैप्पी. इफ यू फील लाइक टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, बट राइट नाउ फोकस ऑन these coming 3 months. ठीक है ठीक है, क्योंकि मैम खास करके उनके लिए, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, जो जॉब करते हैं. एग्जैक्टली, क्योंकि डेली मोटिवेशन, डेली किक स्टार्ट चाहिए होता है ना, कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं मुझे भी कुछ करना है. वरना आप सो स्टडी करते हो तो बस फिर डीमोटिवेट हो जाते हो, स्ट्रेस में चले जाते हो, अटक जाते हो ना लाइफ में. छोटे मोटे इश्यूज तो सबके चलते हैं, लेकिन विद टीम, विद अ ग्रुप, फिर आप चलते रहते हो, वो भी लगता रहता है उसकी रोज. डॉक्टर हीरा, आप सिर्फ इन्हें थोड़े से बुक्स का बता दें, जैसे एबीएम टेक्स्ट बुक के लिहाज से हम एबीएम पढ़ लें, और साथ में जो है आपके एमसीक्यूज बुक है जो मैं मंगवा लूंगी. लेकिन जितनी बुक्स और क्या, हाँ, यानी और क्या पढ़ना है? मेरी एमसीक्यूज बुक और मेरी समरी बुक्स भी है, मेरी समरी बुक्स भी है. आप ये सोच लें ईवीएम की मैंने समरी बुक बनाई हुई है. अच्छा, तो लेकिन मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि अपनी समरी बुक बनाएं. लेकिन कुछ फैमिली में या जॉब में इतने बिजी होते हैं कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सेपरेट नहीं कर पाते, तो फॉर देम आई हैव मेड समरी बुक्स एज वेल, मॉड्यूल वाइज समरी बुक्स हैं. अच्छा मैम, ये बताएं कि ये एफटीपीएस की एमसीक्यू बुक कब आ रही है, रिकॉल वाली? एमसीपीएस की ये इसी महीने आ जाएगी, लास्ट वीक में. ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, बस मैं इसको प्रोसीड कर रही थी. आपको लिंक भेज दूंगी, यू कैन बाय योर बुक. ठीक है, थैंक यू. डॉक्टर, आप बुक्स का भी एक भिजवा दें, ताकि जो है ना जो जो हमें मंगवाना होगा ना, तो फिर वो हम टिक करके ना आपको भिजवा देंगे, तो हमें भिजवा दें. अभी जो आप लोगों लेनी चाहिए वो, नहीं नहीं आज तो हमारा ग्रुप शुरू होगा ना, लेट को ज्वाइन तो नहीं है कोई भी? नहीं, क्लास ही नहीं शुरू. अभी शुरू में आपने जो बताया है कोई इस तरह, मतलब हमने कोई मिस तो नहीं करी? हम लोग कुछ एक दो लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किए. अच्छा, कुछ नहीं, बस गपशप चल रही थी कि कैसे 3 months को नाइसली यूज करना है, कौन से बुक्स हैं, रिकॉल्स क्यों करने हैं, कौन से रिकॉल्स अच्छे होते हैं, और टिल एग्जाम हाउ वी विल गो एट कंबाइंड स्टडी के बेनिफिट्स एंड ऑल दैट. अभी इस तरह से होगा, क्या हमें बताया जाएगा कि आज का जो इंटेंसिव सेशन है? जी जी हाँ, मैं आपको शेड्यूल पूरा इस महीने का दे दूंगी कि इस डेट पे हमने क्या करना है. ठीक है, नथिंग टू वरी. इस मई का पूरा शेड्यूल आपको आज मिलेगा, कि आज आइटम में गले बैठ रहे हैं, कोई एचआईवी करना है, कोई पीआईडी करना है, यूटीआई करना है, एवरीथिंग. डॉक्टर ये भी बता दे क्लास टाइमिंग और डेट. अगर आज आप अपनी डॉक्टर हमें ये भी बता दीजिएगा क्लास टाइमिंग और वीक में कितने डेज होंगे. टेबल ली है तो फिर वो ज्यादा वहाँ पे मार्क कर लें, वही चीज उसमें से उठा लें, तो वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू के पूरा पढ़ लें. एग्जैक्टली. अच्छा एक और काम करो, क्योंकि अब थ्योरी के लिए पढ़ ही रहे हो,
तो इंशाल्लाह आगे वाइवा भी देना है. तो ये जो टॉपिक्स हैं हॉट टॉपिक्स, जो कि थीरी के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि वाइवा के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको उनके लिए ना फाइल्स बना लो अलग से. लाइक ये कि लेट्स सपोज अभी अभी इन्फेक्शन करने हैं, पीआईडी करने लगे हो, तो पीआईडी का तो लॉन्ग केस भी आता है ना. जी जी आ सकता है, वैसे कम आता है लेकिन आ सकता है, इनफर्टिलिटी आ सकता है एज पीआईडी. तो व्हाट यू विल डू, जहां से भी आपने पढ़ा है, लाइक ईवीएम से पढ़ा है, साथ में मेरे लेक्चर के नोट्स बना लिए हैं, तो वो चीजें उस फाइल में लगा दो. और जो भी आपने पेशेंट से पूछने हैं क्वेश्चन पीआईडी के या विद रेफरेंस ऑफ इनफर्टिलिटी, वो लगा दो. ठीक है, अब जब जब भी कहीं जा रहे हो, वार्ड में कोई केस डिस्कस हो गया या कोई वर्कशॉप अटेंड कर ली, उस तरीके की बातें थी ना, वो भी उसी फाइल में लगा दो. फिर बाय दैट, बाय दिस एक्टिविटी, जो आपकी 20 फाइल्स प्रिपेयर हो जाएंगी, इट विल वेरी हेल्पिंग आर योर वाइवा एज़ वेल. फिर इधर उधर नहीं भागोगे यार, शॉर्ट से वो टेबल निकाल लिया, फलाना पेड़ उधर था, वो इधर था, है ना, फिर मैस में नहीं पढ़ोगे. मतलब एक अपनी अपनी एक सेल्फ समरी बुक बना ले, ताकि फिर एंड टाइम पे उसी का एग्जैक्टली टॉपिक वाइज बनाओ. टॉपिक वाइज मैम ये इसके 20 मेजर टॉपिक्स होते हैं, अगर आप बता दें टेलीग्राम पे सेव कैसे कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस होंगी उनकी बता दें कि जो हमने करनी होगी. गाइडलाइन के लिए मैं आपको एक बात लीक कर रही हूँ कि जितनी भी नाइस की और जितनी भी ग्रीन टॉप की गाइडलाइंस है ना, अवेलेबल टिल 2019, उसकी मेरी इंशाल्लाह बुक आ जाएगी, जिसमें सिर्फ समरी पॉइंट्स होंगे. ठीक है, तो दैट विल बी सफिशिएंट. वो अगर किसी ने अगर एग्जाम आगे देना है, एमआरसी जीना है, तो वो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगी. तो वो छोटी सी किताब होगी तो यू कैन रीड इट, लेकिन इतनी ज्यादा मैं आप लोगों को सिंपल चीजें करना चाह रही हूँ, ऑर्गेनाइज करना चाह रही हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रही. वो एक ही बात है, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट, माय लेक्ट एंड यूर पॉइंट्स, एंड दैट्स ऑल. ठीक है, अगर बहुत डेडिकेटेड और बहुत टाइम है लाइफ में, तो देन यू कैन ऑर्डर माय समरी बुक्स एंड लेटर ऑन ये जो आरसीओजी की सारी गाइडलाइन समरीज हैं वो भी. ठीक है, इफ यू फील लाइक, कोई बंदा होता है ना ओवर अचीवर, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाला, तो वो फिर ऑप्शनल है. लेकिन टेक माई वर्ड्स, अगर एक बुक पढ़ ली है ना एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट तरीके से, ठीक है, तो इंशाल्लाह अपना एग्जाम पास कर लोगे, थ्योरी भी और लॉन्ग केस भी. एक परफेक्ट बुक है, अप टू योर स्टेटस है, और गाइडलाइन की बातें लिखी हुई है उसमें, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट नाम से ही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. उसमें तीन गाइडलाइन नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगी, वो सीए सर्विक्स की नहीं है, सीए ओवरी की नहीं है, और वो प्री टर्म लेबर की नहीं है, और साथ में प्रॉम की नहीं है, मतलब प्रॉम की एक ही गाइडलाइन है. ये तीन चीजें उसमें नहीं है, तो अपडेट हो गई है ना ये तीनों गाइडलाइन, तो इसलिए उस पर भी एड ली. हाँ, उसका अगर नया एडिशन आया तो वो उसको अपडेट कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, ये तीनों टॉपिक्स हम अलग से याद कर लेंगे. ये डॉक्टर हेरा, जो फोर्थ अगर एडिशन आया तो उसमें कुछ हुआ तो वो साथ साथ बताते जाइएगा, ऐड कर लेना. तो हम लोग थर्ड एडिशन अभी तो पढ़ रहे हैं. हाँ ना, हाँ, फोर्थ अभी नहीं आया, रूमर्स हैं आ गया लेकिन आया नहीं है. और व्हेन यू आर विद मी, व्हेन यू आर विद मैट होम, व्हेन यू आर इन माय ऑफिशियल ग्रुप, कोई भी दुनिया में चीज उसी में चेंज हुई तो आपको पता होगा. ठीक है, वो बता दें टेलीग्राम सेव कैसे करनी है चीजें को, जैसे अगर अलग से फोल्डर बनाना है, आपने कहा था फोल्डर बना लिया. टेलीग्राम में सेव मैसेजेस का फोल्डर होता है, जो मैसेज अच्छा लगे वो वहां भेज दें. फाइनली वो जो सब मैसेजेस हैं वो आपकी अपनी ई लाइब्रेरी बन जाएगी, वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर बना के बता दूंगी कि हाउ यू कैन सेव. ठीक, थैंक यू. ठीक है, एक एक ग्रुप आपका होगा डिस्कशन के लिए, जिसमें आप छोटी मोटी गॉसिप, डे बाय डे की जो एक्टिविटीज, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, वो डिस्कस होते रहेंगे. और एक ग्रुप आपका ऑफिशियल होगा, जिसमें ओनली आई कैन पोस्ट, या कोई और टीम में से पोस्ट करेगा क्लासेस को, शेड्यूल को, ताकि आपकी चीजें हैफजेड ना हो. हाँ, वो टीम आपको खुद ही ऐड कर लेगी आपको ज्वाइन करने की. जी जी, इंशाल्लाह ये एक दो दिन में आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी, नथिंग टू वरी. ठीक है, अच्छा अभी अभी